पवन के बैक टू बैक 8 धमाके आने वाले हैं। जी हाँ, 8 गानों के वीडियोस, वो वीडियोस जिनके ऑडियोस बहुत पहले ही निकल चुके हैं, जैसे कि यार 75, राजस्थानी घाघरा, दूगो रखले बानी, खोजे ले कुआर, जमारा कहेला पवन सिंह। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पवन सिंह इस कदर धमाल मचाएंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में कि किसी ने सोचा नहीं होगा। कहाँ खेसारी लाल यादव ने 3 भोजपुरी की बड़ी फिल्में शाइन की, वहीं दूसरी तरफ पवन सिंह का 8 बैक टू बैक गाना आने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें कि पवन सिंह लगातार धमाका करने वाले हैं, और ऐसा धमाका करने वाले हैं कि जिसके बाद सभी के होश उड़ जाएंगे। पवन सिंह साथ ही साथ नए टैलेंट को, जी हाँ, भोजपुरी में नए टैलेंट को भी बहुत बढ़ावा देने की सोच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पवन सिंह भोजपुरी में अब एक ग्रेड लाना चाहते हैं, ताकि भोजपुरी गाने उसी तरह से आगे बढ़े जिस तरह से पंजाबी इंडस्ट्री के गाने आगे बढ़ रहे हैं। वैसे जिस तरह से पवन सिंह बैक टू बैक अपने गानों की शूटिंग कर रहे हैं, उसे देखकर ये लग रहा है कि पवन सिंह अब जल्द ही अपने फिल्मों की शूटिंग भी स्टार्ट कर देंगे। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि पवन सिंह की आने वाली पहली फिल्म होगी बॉस। जी हाँ, ये वही फिल्म है जिसके लिए पवन सिंह ने महज 151 रुपये की रकम ली है। जी हाँ, आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन पवन सिंह दोस्ती निभाना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको बता दें कि बॉस फिल्म के मेकर से पवन सिंह का कुछ खास ही रिश्ता है, कुछ खास ही नाता है, और इसी रिश्ते और नाते को ध्यान में रखते हुए पवन सिंह ने जब इस फिल्म को साइन की, तब इस फिल्म के साइनिंग अमाउंट पर 151 रुपये ही लिए। और आपको ये भी बता दें कि इस फिल्म में अरविंद अकेला कल्लू, यामिनी सिंह पवन सिंह के साथ नजर आएंगे। वैसे आप पवन सिंह का पहला कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।